कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का था। कोई आए ना आए, जब समय आएगा यशवी आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है और तेजस्वी यादव ने भाषण। आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बिहार विधानसभा के भीतर विश्वास मत पर हारते रहे तेजस्वी यादव ने भी भाषण से अपने आप को बचा लिया। तेजस्वी ने कई प्रसंगों का हवाला देते हुए कहा कि आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से तेजस्वी की जुबान पर यह पंक्ति बार बार उभर कर आ रही थी, उसमें पीड़ा थी, टीस भी थी और एक राजनीतिक क्रोध भी। मगर तेजस्वी की आवाज़ ने नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया, लेकिन उनकी राजनीतिक कमजोरियों को इस तरह से उजागर किया कि अपमान का रस पीछे रह गया मगर सम्मान भी नहीं रहा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की लंबी आयु की कामना की, कहा कि आप स्वस्थ रहें, जब भी कोई बात हो फिर से सहयोग मिलेगा, चिंता की बात नहीं। तेजस्वी यादव आज बेहद संयम तरीके से नीतीश कुमार को झकझोरने का असफल प्रयास करते रहे, लेकिन तेजस्वी ने अपने भाषण में कहीं से हताशा की झलक नहीं आने दी। बार बार कहने के बाद भी कि आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार सामने बैठे रहे। उनके मन में क्या चल रहा था या कौन जान सकता है, वही बता सकते हैं। मगर नीतीश कुमार का इस तरह से निर्विकार तो कभी क्रोध के आसपास दिखना बता रहा था कि राजनीति में एक ही तर्क है, एक ही सत्य है और वह है सत्ता। जो सत्ता में है उसे तेजस्वी या किसी की बेजोड़ बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दलील भले कमजोर हो, अगर सत्ता आपके पास में है तो चिंता की बात नहीं। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बहाने राजनीति का वह पहलू भी सामने रख दिया जिसे अब भुला दिया जा रहा है। इस सत्य से अब ना तो नीतीश कुमार को फर्क पड़ता है और ना इस इतिहास से बीजेपी को। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला हमको तो बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी बताइए? हम अगर गलत बोल रहे हैं तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया। डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बहुत मजबूत दौर देखा है। उनके सामने क्या सहयोगी क्या विरोधी, दोनों दलों के सदस्यों के भाषणों में आवाज ही ऊंची होती थी मगर दलीलें बेहद कमजोर। लंबे समय तक नीतीश कुमार का बिहार में ऐसा ही दबदबा रहा।
आज उसी नीतीश कुमार के बचाव में बीजेपी की दलीलें लड़खड़ाती नजर आईं। पता नहीं चल रहा था कि बीजेपी ने किस लिए नीतीश कुमार को अपनाने का फैसला किया है। आप भी भाषण बिहार विधानसभा की साइट पर जाकर सुन सकते हैं। बीजेपी बार बार वही पुराने वंशवाद का रट लगाती रही, मगर तेजस्वी ने भी अपने पिता को लेकर किसी तरह की हिचक का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि बता गए कि वे किसके बेटे हैं और उनके पिता क्या हैं। यह भी बता दिया कि बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता कभी राजद में थे और तब वे नीतीश कुमार के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। आज तेजस्वी के भाषण में नीतीश कुछ और ही नीतीश नजर आ रहे थे। इस दौर में विपक्ष को हर तरफ से खत्म कर दिया गया है। गोदी मीडिया से लेकर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल ने विपक्ष को मिटाने की भरसक कोशिशें की हैं और कुछ विपक्ष ने अपनी तरफ से भी। कितनों ने पाले बदल लिए, मगर दिलचस्प है देखना जो इस दौर में खड़े रहे, अपनी हार के बीच भी विजेता की तरह भाषण देते रहे। सत्ता खोकर भी भाषा और देह भाषा में तेजस्वी हारे हुए नेता की तरह नजर नहीं आए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है, किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्षता उनके पीड़ा आती थी, कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया। हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए कोनो, आपको हम कुछ कहते हैं। आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। बिहार में विश्वास मत से पहले जो कुछ भी हो रहा था, उससे यही पता चल रहा है कि राजनीति में वही सफल होगा जिसके पास सरकारी एजेंसी और सत्ता की ताकत होगी। विश्वास मत नीतीश कुमार ने तो जीत लिया, लेकिन क्या बिहार की जनता ने उस जीत के पीछे की हार या जीत को देख लिया?
जनता पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सही और गलत देखने के बाद भी जनता अपने अपने विश्वासों के आधार पर ही दलों और नेताओं के साथ रहेगी। नीतीश कुमार की सरकार बच गई, लेकिन इसे बचाने में सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ा। इस बार का विश्वास मत ऐसा विश्वास मत लगा जो नीतीश कुमार को मजबूत की जगह मजबूर बना रहा है और बीजेपी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। रविवार दिन भर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के गायब होने की खबरें आती रहीं, लेकिन भारी दलबल के साथ पुलिस पहुंच गई तेजस्वी यादव के घर। जो सत्ता में नहीं है उन्हें पुलिस लगाकर घेर लिया गया। घर के भीतर पुलिस पहुंच गई क्योंकि राजद के ही विधायक चेतन आनंद के भाई ने थाने में शिकायत कर दी कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। राजद ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार ने सरकार जाने के डर से हजारों की संख्या में पुलिस बल भेजकर तेजस्वी जी के आवास को घेर लिया है। ये किसी भी तरह से किसी भी बहाने आवास के अंदर घुसकर विधायकों के साथ अप्रिय घटना कराना चाहते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार और पुलिस के कुकर्म देख रही है। याद रहे, हम डरने और झुकने वालों में से नहीं हैं। ये वैचारिकी का संघर्ष है और हम इसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब राज्यपाल ने राज्य की पुलिस की क्षमता का भी उल्लेख किया और कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ी है, इस वजह से भी कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। राज्यपाल का यह जिक्र तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद पुलिस की मौजूदगी को अलग ही रंग देने लगा। रात के वक्त राजद विधायक चेतन आनंद ने तब कहा कि वे अपनी मर्जी से हैं, थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। सुबह हुई तो चेतन आनंद राजद से पाला बदल चुके थे। राजद के विधायक आरोप लगा रहे थे कि चेतन आनंद को सचेतक के कमरे में रखा गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। चेतन आनंद और राजद की नीलम देवी ने पाला बदल लिया था। राजद के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, जो मकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। तो इस तरह से बिहार में विश्वास मत हासिल किया गया। शनिवार और रविवार को जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के भी गायब होने की खबरें उड़ती रहीं। हम पार्टी के जीतन राम मांझी को लेकर भी खबरें आ रही थीं कि उनका फोन बंद है, संपर्क नहीं हो रहा। इससे कुछ देर के लिए लगा कि बिहार की राजनीति में खेला हो रहा है, और खेला हुआ भी। खेला से ही विश्वास मत नीतीश कुमार को मिला लगता है। इससे पता चलता है कि इस बार के विश्वास मत में पहले की तरह की स्वाभाविकता नहीं है। कौन किस मजबूरी में और किस एजेंसी के दम पर या डर से सत्ता पक्ष की तरफ गया है, इन सब का कोई सार्वजनिक प्रमाण तो नहीं होता, केवल चर्चाएं होती हैं। तेजस्वी ने चेतन आनंद का जिस शालीनता से जिक्र किया वह भी एक मिसाल है। तेजस्वी ने नीलम देवी से भी कहा कि आपने पाला बदला है, मगर जब भी जरूरत हो हमें याद कीजिएगा। जब तेजस्वी बोल रहे थे तब कैमरा पाला बदलने वाले चेतन आनंद पर था। तेजस्वी ने उनके पिता का अतीत भी याद दिला दिया और बेटे के भविष्य का रास्ता भी। मेरा छोटा भाई चेतन, जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको दे करके जिताने का काम किया, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जोर ले लिया, हम स्वागत करते हैं।
शांति 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 बस सबको दो मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। इससे पहले मतदान के जरिए विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अवध बिहारी चौधरी ने बिना किसी हंगामे के अपना पद भी छोड़ दिया। उन्होंने भी गरिमा का पालन किया, अपने भाषण में किसी के प्रति कोई तल्ख बात नहीं कही, ना ही दोषारोपण किया, बल्कि सभी पक्षों के सहयोग के प्रति आभार जताते हुए आसन का त्याग कर दिया। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं, उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। सत्ता आएगी जाएगी, लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था, उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य प्रायणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मैं जनता दल यूनाइटेड ने कैसे मैनेज किया, खुद किया या उसके बदले बीजेपी और एजेंसियों ने मैनेज किया, ये सब चर्चा का विषय है। पहले खबर आई कि शनिवार को मंत्री श्रवण कुमार के घर पर हुए लंच में 6 विधायक नहीं आए हैं। अगले दिन रविवार शाम को विधायकों की अहम बैठक में भी 3 जदयू विधायक नहीं आए। हालांकि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पार्टी तीनों के संपर्क में है। इस बीच जदयू ने अपने विधायकों को चाणक्य होटल में भेज दिया। भाजपा ने अपने विधायकों को बोध गया कि एक रिजॉर्ट में, वे रविवार शाम पटना आए। यह एक विचित्र स्थिति थी, सारी एजेंसियां बीजेपी के पास, फिर भी वो अपने विधायकों को पटना से बाहर ले जा रही थी। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को किससे डर था? विपक्ष में तेजस्वी के पास ना तो कोई होमगार्ड, ना कोई एजेंसी, फिर बीजेपी और जदयू को अपने विधायकों से क्यों डर लगा? इन दो दलों ने अपने विधायकों का विश्वास कैसे जीता, एजेंसी के का डर दिखाकर या किसी और कारण से? सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि उनके 5 विधायक गायब हुए हैं, उन सभी का वे इलाज करेंगे। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एकक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। एक बात और नोट करने की रही, तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार को निशाना बनाया, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाया, उन्होंने नीतीश पर कुछ नहीं कहा। बीजेपी नेताओं के भाषण इतिहास में ही छिपे रहे। बीजेपी यह साफ साफ नहीं बता सकी कि जिस नीतीश को उसने किनारे करने का फैसला कर लिया था, उसे गले क्यों लगाया। तेजस्वी यादव ने बार बार नौकरियों का मुद्दा उठाया, बताया कि कैसे उन्होंने शर्त रखी कि नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नौकरियों को लेकर उन्होंने काम किया है, दबाव डाला है, तो वे क्रेडिट लेंगे। यह भी गिनाते चले गए कि उनके कौन से काम कैबिनेट में नहीं लाए गए, अगर वो पास हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट वो सम्राट चौधरी को भी देने के लिए तैयार हैं। सत्ता में जगह गंवाकर भी राजनीति में अपनी जगह को बचा लेना एक बड़ी कला है। आज तेजस्वी ने वही करने की कोशिश की। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था, झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा,
असंभव है, क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी हैं, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले। एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट यार सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में है, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले, आप लोग बताइए क्यों ना ले। अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहो, क्या कहिए। उनके भाषणों से लगा कि सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोग सुनने का बस धर्म निभा रहे हैं, बीजेपी के सदस्य ही आक्रामक होकर प्रतिकार करते रहे। लेकिन तेजस्वी ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश को सत्ता से हटाने के बाद ही वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। तेजस्वी ने जब सम्राट चौधरी को उनका कहा याद दिलाया तो कैमरा उन्हीं की तरफ देख रहा था, यानी सम्राट चौधरी की तरफ, पगड़ी अपनी जगह पर सुरक्षित नजर आ रही थी। सम्राट चौधरी नीतीश के साथ सत्ता पक्ष की तरफ सहज भाव से बैठे थे। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम को गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना, बैठ जाइए, बढ़ जाइए, बोलने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बैठ जाइए, आप लोग शांति से बैठिए, आपके आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो, दिए कि नहीं दिए। आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा दो, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और
मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। आपको याद होगा मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने मीडिया को भरोसा दिया था कि नई सरकार आएगी, प्रेस को मोदी राज से मुक्ति मिलेगी, लिखने की आजादी मिलेगी। तेजस्वी ने उस बयान को याद दिलाते हुए कहा कि प्रेस को कब्जा से मुक्ति दिलाने चले थे, अब नीतीश कुमार पर ही कब्जा हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती, कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है, ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है, और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया, अब देख लीजिए। लेकिन मीडिया, जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है आप लोगों पर, कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है। नीतीश कुमार आखिर में बोलने आए, उनका भाषण भी अतीत में चला गया, याद दिलाने लगे कि 2005 के पहले लालू यादव और राबड़ी देवी का बिहार कैसा था, और बाद के गठबंधन के बारे में यही कहा कि वे इन्हें सुधारना चाहते थे, तो राजद सुधार आंदोलन चल रहा था बिहार में, सत्ता का दल बदल नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां तक नौकरी की बात है, इसमें उन्हीं का क्रेडिट है, सरकार पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण रहता है और वह उनके अनुसार चलती है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के अंतर विरोध को भी उजागर करने की कोशिश की और कहा कि वे एक तरफ सबको एकजुट कर रहे थे, मगर बाकी लोगों का इरादा और निशाना कहीं और था। जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया, आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, हम इन लोगों को कह रहे थे कि छह पार्टियां हैं तो सभी छह पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ दो दीजिए और बाकी कांग्रेस को दो ही दिए, हमने कहा नहीं दो से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है, और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को, आई लोग बराबर आके हमको कहते थे हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी, तो इसीलिए। और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ, और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था, हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको, उनको हमसे तकलीफ था,
और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करो। बिहार विधानसभा की बहस से साफ हो गया, बिहार की राजनीति ने खुद को नैतिकता और सिद्धांतों की औपचारिकता से मुक्त कर लिया है, वो फ्री हो चुकी है। किसी के पास किसी के साथ जाने के ठोस कारण नहीं थे, ना पहले ना अब के, ना इस बात की चिंता थी कि उनकी बातों से किसी को जवाब मिलता भी है या नहीं। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी फिर से नीतीश कुमार की सहयोगी। 2024 की लड़ाई का एक मोर्चा बिहार में बीजेपी ने जीत लिया है। इस बार सत्ता की चाबी उसके हाथ में रहेगी। बीजेपी के लिए बिहार एक चुनौती बना हुआ था, क्योंकि यहाँ विपक्ष सांस ले रहा था। चारों तरफ से विपक्ष के बिखरने की खबरें हैं, विपक्ष के नेता जेल में डाले जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। इस बीच जो भी विपक्ष में बचा है, राजनीति की उसकी यात्रा लंबी होती जा रही है। लोकतंत्र के पर्दे बदल गए हैं, घड़ी की टिक टिक बंद होने को है। अपनी सीट की पेटी बांधे रखिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया, लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के लिए।